बात अगर एग्जिट पोल के नतीजों की करें तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार का मुखिया कौन होगा, भूपेंद्र हुड्डा या सैलजा या फिर कोई और। चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक हर जगह हुड्डा की चली, लेकिन पूरे चुनाव में सैलजा के नाराजगी से पार्टी की फजीहत भी हुई है। हालांकि सैलजा एन वक्त पर मान गई और चुनाव प्रचार से जुड़ी भी, लेकिन सीएम को लेकर उनका आजमाइश जारी है। लोग होते हैं जिनके नाम कंसिडरेशन में होते हैं, तो उनमें सैलजा भी एक हो सकती है, हाई कमांड करती है फाइनल। तो क्या वाकई में सैलजा की दावेदारी में दम है और भूपेंद्र हुड्डा आसानी से मान जाएंगे? तो इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सीनियर हुड्डा इतनी आसानी से मानने वाले नेता नहीं है। एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जाने जाएगी, हाई कमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा, सबका अधिकार है, हमारी सीनियर लीडर है वो। बहरहाल सभी की नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.